आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 योजना की प्रथम हवाई यात्रा आज से शुरू। बलदेव परशुराम धर्मशाला जलमेर से बस रवाना हुई। मंत्री शुक्ला रावत ने यात्रियों की बस को रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। श्रीगंगानगर के 100 वरिष्ठ नागरिक दिल्ली जा रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 2 बजे उनकी फ्लाइट उड़ी। दिल्ली से काठमांडू जाएंगे। पशुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और तस्वीरें देखिए, मंत्री शुक्ला रावत ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया बल्कि बस में भी पहुंची और जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और मंगल कामना की गई कि उनकी यात्रा सफल हो। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनको ये यात्रा करवाई जा रही है। यात्रा के पीछे का मकसद है कि आर्थिक मंदी या फिर अन्य कारणों के चलते परिवार में कोई नहीं है और अगर आप यात्रा करने की मन में चेष्टा रखते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे तो ये सुविधा आपके लिए सरकार ने किया है। हमारे साथ सहयोगी पूजा दुबे जुड़ गई हैं। पूजा, बताइएगा जरा से किस तरह से यात्रियों में उत्साह देखा गया और कहां से अमूमन ये अधिकतर यात्री बताए जा रहे थे? बिल्कुल सुखा, देखिए आज सुबह 5 बजे जो देवस्थान मंत्री शुक्ला रावत है उन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर जो यात्री है प्रदेश के राजस्थान के जो यात्री है उनको रवाना किया। और देखिए 100 वरिष्ठ नागरिक जो थे वो बस के थ्रू दिल्ली रवाना किए गए। इसके बाद देखिए वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 2 बजे जो है फ्लाइट से जो उड़ान भरेंगे और नेपाल की जो काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पर जाकर दर्शन करेंगे। देखिए बहुत ही एक अलग योजना है क्योंकि देखिए पहले भी एक रेल के थ्रू यात्रियों को भेजा जाता, उसके बाद में अब ये हवाई जहाज के थ्रू भेजा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भजन घोषणा के तहत देखिए रेल यात्रियों की संख्या को 20,000 से 40,000 किया गया था, तो उसके बाद में अभी तो हवाई जहाज के थ्रू जो भेजा जा रहा है। इसके लिए बहुत शुक्रिया पूजा आपका मैसेज जोड़ने के लिए।